दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनके ब्लॉगर। आज मैं आपको इस वीडियो में अमरनाथ से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। अमरनाथ यात्रा कब से स्टार्ट हो रही है, आप अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करके चलें, आपको कोविड के टीके लगे होने चाहिए या आप RT-PCR रिपोर्ट लेकर जाएं, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है, और आप अमरनाथ की यात्रा कर रहे हो तो आप किन किन प्लेसेस पर रुके और टोटल आपका कितना बजट होना चाहिए, और 13 साल से छोटे और 75 साल से ऊपर के यात्री अमरनाथ की यात्रा नहीं कर सकते। कोई भी लेडीज़ अगर 6 वीक की प्रेगनेंसी है उनको तो वो भी यात्रा नहीं कर सकती हैं। कि अमरनाथ की यात्रा 30 जून से स्टार्ट होगी, पर लेकिन अमरनाथ की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो चुके हैं। आप रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कर सकते हो, पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होगा हॉस्पिटल से जाकर। अब आप हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता लगाएंगे कि कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जो अमरनाथ की यात्रा के लिए मेडिकल प्रोवाइड करा रहे हैं, और कौन कौन से बैंक हैं जो आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रहे हैं। जैसे कि कई लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते और ऑफलाइन कराना चाहते हैं, तो आप साइन बोर्ड की वेबसाइट पर देखोगे, उन्होंने पहले से एक लिस्ट जारी की होगी कि आपके स्टेट में कौन कौन से बैंक हैं जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आप उन बैंक की ब्रांचों में जाकर ऑफलाइन फॉर्म लेकर अपना अमरनाथ की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। वैसे तो SBI बैंक, PNB बैंक और यस बैंक, ये तीनों ब्रांचेस अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म प्रोवाइड करा रही हैं ऑफलाइन। तो आप इधर जो भी नज़दीकी बैंक पड़ता है इन तीनों बैंकों में से, तो आप वहाँ पर जाके एक बार पता कीजिए। अब बात आती है कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हो। साइन बोर्ड की वेबसाइट पर ही पहले से ही स्टेट बाय स्टेट जो भी हॉस्पिटल हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके घर के पास कौन सा हॉस्पिटल है, आप उस हॉस्पिटल में जाइए और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट आप वहाँ से ले सकते हो। फिर उसके बाद आप जाकर सीधे अपना ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा आपका दिल चाहे आप वैसा रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। पर जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको कोविड के दोनों टीके ज़रूर लगे होने चाहिए। अगर आप अमरनाथ की यात्रा कर रहे हो तो आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर कैरी करके चलें, क्योंकि यात्रा इस ऐसा सीज़न में हो रही है कि वहाँ पे आपको बारिश ठंड दोनों ही मिल सकती हैं। तो आप अपने साथ गर्म कपड़े और रेनकोट ज़रूर कैरी करके चलें, और साथ में कुछ मेडिकल दवाई भी अपने साथ रखें जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने चाहिए, अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और पैन कार्ड, ये ज़रूर लेके जाएं अपने साथ, कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर अमरनाथ से जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बताता हूँ।